गाइज वेलकम वंस अगेन, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और मैं फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और आज का जो कमेंट दिया दोस्तों, ये एक स्टूडेंट है खुशी जाधव जी, और ये कहती है कि इनकी टीचर जो है उन्हें ईयर ट्विस्टिंग पनिशमेंट जो है वो देती है, और उनकी जो टीचर है उसका ये दावा है कि इस तरीके की जो पनिशमेंट होती है वो बच्चों के ब्रेन को बूस्ट करती है, उनकी माइंड पावर को एनहेंस करती है। तो क्या मैम ये सही है जो टीचर अपने आप को इस तरीके से जस्टिफाई कर रही है? क्या वाकई इस तरीके के पनिशमेंट से मेरा दिमाग जो है वो तेज होगा? तो दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने इस चीज पे बहुत रिसर्च की, मैंने अपनी टीचिंग कम्युनिटी में भी ये कमेंट शेयर करा, लोगों से इसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, मैंने गूगल भी सर्च किया, काफी चीजें पढ़ी, अपने सीनियर टीचर्स से, अपने खुद के टीचर्स से भी ये चीज डिस्कस करी और जानने की कोशिश करी कि इस बात के पीछे कितनी परसेंट सच्चाई है। तो जवाब जो मुझे मिला वो सिर्फ था नो। एनी काइंड ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट इज टोटली इलीगल एंटिटी। अब लीगल और इलीगल तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिया की पद्धति तो यही है कि पेरेंट्स जब तक लात घूंसे थप्पड़ डांट फटकार से अपने बच्चों को ना मारे ना सुधारे तब तक वो इंडियन बच्चे ही कहां। सेम रूल टीचर्स पे भी लागू होता है कि भैया पुरानी जो गुरु पद्धति थी गुरु और शिष्य की, वहां पर दंड तो बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर बच्चे ने कोई भी गलती करी है तो उसके पीछे दंड की एक प्रक्रिया होती थी। वो दंड जो था वो शारीरिक भी हो सकता था, वो दंड ऐसा होता था कि जिससे बच्चा इंप्रूव होकर जरूर कोई ना कोई अच्छाई जो है वो उसके अंदर बिल्ड कर सके उसका गुरु। बट टाइम के साथ बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, आपने अपने आप को चेंज किया, आपका समाज आपके आसपास चेंज हुआ है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सेम स्ट्रेटजीज अप्लाई करके आप अपने आज के स्टूडेंट्स पर भी उन्हें इंप्लीमेंट करके इंप्रूवमेंट ला सकते हो। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी पनिशमेंट देते हो जो टीचर लॉजिक देता है इसके पीछे कि भाई कोई भी एक्स वाई जेड पनिशमेंट दे दीजिए, इवन ईयर ट्विस्टिंग मुर्गा पनिशमेंट, डेफिनेट सी बात है कि उससे बच्चे में इंप्रूवमेंट होगा, बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज इंप्रूव होंगी, बच्चा अच्छे से पढ़ना शुरू कर देगा। पनिशमेंट देने वाला टीचर अपने आप को इस बात से जस्टिफाई करता है कि अगर उसकी इंप्रूवमेंट जो स्टडीज में इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है, अपना होमवर्क पूरा करना शुरू कर देता है, जो एथिक्स वो उसमें चाहता है वो आने शुरू हो जाते हैं, इट मीन्स उसका ब्रेन जो है वो बूस्ट हो रहा है। बट ये सब स्टूडेंट्स के केसेस में नहीं होता, तभी तो पनिशमेंट्स को स्ट्रिक्टली बैन किया गया। उन पनिशमेंट्स की वजह से बच्चा जो है वो इमोशनली वीक हो जाता है, सोशली उसकी इमेज अगर खराब होती है तो साइकोलॉजिकली बच्चे की सोच पर असर पड़ता है। इंस्टेड ऑफ कि टीचर चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, बच्चा हो सकता है पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाए। ऐसा है आज का बच्चा। अगर टीचर उसे किसी भी तरीके की पनिशमेंट दे रहा है, वो पनिशमेंट उसे सोशली साइकोलॉजिकली और इमोशनली अगर इफेक्ट नहीं कर रही है, टीचर ने उसे किसी बात पे डांटा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके स्टूडेंट ने आपके बच्चे ने कोई भी गलती की है तो आप एक कड़क ध्वनि के साथ एक कड़क आवाज के साथ उस काम को करने के लिए उसे रोकें। बट इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उसकी संवेदनशीलता को कोई भी नुकसान पहुंचाएं। अगर आपने उसे डांटा तो कुछ समय के बाद आपको उसकी प्यार से काउंसलिंग करनी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है कि आपको डांटा इसलिए, आपको मैंने ये बोला बेटा इसलिए, क्या आपको लगता है मैंने गलत किया? तो इस तरीके का जो संवाद एक शिक्षक और गुरु के बीच में होता है उससे ना बच्चे के मन पर कोई हाथ होता है, ना उसकी सोशल इमेज, क्लास में सब बच्चों के सामने उसे कुछ बोल देना, इस तरीके की पनिशमेंट दे देना, उससे कुछ भी ऐसा खराब माहौल नहीं होता और बच्चा एज इट इज मोटिवेट करता है अपने आप को। तो खुशी जी अपने टीचर को बता दें कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हाँ अगर आप तेज कोई भी इंस्टेंट ये ट्विस्टिंग अगर आप थप्पड़ भी मार दें तो ब्रेन का डेवलपमेंट होगा बच्चे का, बशर्त उसका रेट बहुत लो होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेन बिल्कुल ही ठप हो जाए और काम करना बंद कर दे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप अपने उस टीचर तक जरूर पहुंचा देंगे और उसे बता देंगे कि इस तरीके की कोई भी पनिशमेंट जो है बिल्कुल बैन है, ना दी जाए। हाँ एक
फ्रेंडली बिहेवियर के अंदर, जहां पर आप अपने बच्चे के साथ कोई मस्ती कर रहे हैं, नॉर्मल आपने उसे कोई ऐसी पनिशमेंट, स्टैंडिंग पनिशमेंट या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कराते हैं, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो होते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी बिल्डिंग, दे आर इंक्रीजिंग देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, वो वहां पर चल जाती है क्योंकि वो गेम्स का पार्ट होता है, वो फिजिकल एजुकेशन का पार्ट होता है. बट नॉट एज कि आप क्लास में वो सब करके और कहें कि मैंने तो इससे तुम्हारी मतलब मैंने पूरे दिन तुम्हें हाथ ऊपर करके खड़े रखा क्लास से बाहर, तो देखो अब तुम्हारे हाथ कितने स्ट्रांग हो गए होंगे. तो देखिए आपका काम उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना नहीं था, आपका काम उसकी उस सब्जेक्ट नॉलेज को एनहेंस करना था जिसमें आप फेल हो गए, आपने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया, क्लास के पीछे खड़ा कर दिया, तो यू आर फेलियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस टीचर के लिए है. तो अगर ऐसी गलतियां टीचर कर रहे हैं तो प्लीज ना करें, क्योंकि वाकई में अगर बच्चा सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के कमेंट्स लिख रहा है, अपनी समस्याएं पूछ रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे को बुरा लग रहा है और पूरी कम्युनिटी को उसकी बात सुननी पड़ती है कि हाँ टीचर ऐसे होते. आपको पता है कितनी फनी कमेंट्स आ रहे हैं कि इस वक्त जो टीचर्स ने अपने बच्चों को मुर्गा बनाया था ना, पुलिस अब उन टीचर्स को मुर्गा बना रही है. हाउ शेमफुल कि टीचर जैसे रेस्पेक्टेड प्रोफेशन के लिए उनके स्टूडेंट्स ऐसी बात कर रहे हैं. तो प्लीज ऐसे टीचर थोड़ा सा सुधर जाइए, सावधान हो जाइए, और इस तरीके की पनिशमेंट्स प्लीज बच्चों को ना दें जो इन्हें सोशली इमोशनली हर्ट करे. आपके और आपके स्टूडेंट की बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपने उन्हें डांट दिया, स्टिल आपके बच्चे आपके फेवर में आपके सामने स्माइल लेके खड़े. उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आई हो. और ये मुर्गा पनिशमेंट वाला लॉजिक अगर आप में से किसी को 1% भी इस पर है कि हाँ ऐसा होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. रेदर देन दिस, अगर आपके पास और भी कोई सुझाव है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. इससे रिलेटेड डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, मुझे बहुत खुशी मिली. उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप इस टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट बन गए होंगे, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि हम सबका चैनल है जिसपे सबके सुझाव सबके कमेंट्स मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. आपकी प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन मेरे पास होते हैं वो मैं शेयर करती हूँ, और इस सब में हमारी सोशल गैदरिंग बहुत अच्छी होती है. तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये चैनल आपको पसंद आ रहा होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर दिया होगा. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने चैनल पे आपने मुझे सुना, इतना टाइम देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, सब बातों के लिए तहे दिल से धन्यवाद.